स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। आज मैं स्पेशल टाइप का विंटेज टेक्स्ट स्टाइल आप सभी के लिए लाया हूँ, जो बनाने और समझने में बहुत ही आसान है और इसके वर्ड और फॉन्ट को आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। इसका बैकग्राउंड का जो डायमेंशन है वो है 1920x1080 और इसको हम सेंटर अलाइन करके इसका कलर थोड़ा सा डल रखते हैं। उसके लिए यहाँ पर कलर मैंने लिया है ये वाला, ठीक है। इसका अगर हेक्स कोड देखना है तो यहाँ डबल क्लिक करने के बाद ये हेक्स कोड इसका दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद इसमें मैंने एक ग्रेन इफेक्ट डाला है। उसके लिए इफेक्ट गैलरी के अंदर जाते हैं और इफेक्ट गैलरी में ग्रेन आर्टिस्टिक के अंदर ग्रेन और वैल्यू रखते हैं 5, ग्रेन्स की हाईलाइट एरिया 20 और ओके, खास चेंज नहीं किया। उसके बाद इसको लॉक करते हैं यहाँ पर से ऑब्जेक्ट में जाकर सिलेक्शन। अब अपना टेक्स्ट लिखते हैं जिस पर हमें सारा काम करना है। यहाँ मैंने जो वर्ड टाइप किया है वो है ओल्ड स्कूल। फॉन्ट लूंगा मैं बियर्डसन नॉर्मल, इस पर आज काम करेंगे और विंटेज इफेक्ट इस पर बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले इसको हम अपीयरेंस में लेकर आते हैं। उसके लिए यहाँ से इसका कलर रिमूव करने के बाद अपीयरेंस में और एक ऐड न्यू फील लगाते हैं। अगर अपीयरेंस मेनू यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है तो विंडो के अंदर जाकर अपीयरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसकी शॉर्टकट की है Shift+F6। अब इस पर पूरा काम करेंगे और कलर और जितने भी स्ट्रोक्स में लगेंगे कलर ऑफसेट पाथ उसकी वैल्यू अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। और फाइनली जैसी डिज़ाइन होगी उसके हिसाब से चेंज करेंगे। इसके लिए हम इसका फ्रंट में डल कलर ले रहे हैं जो कि बाद में चेंज जरूरत पड़े चेंज करेंगे। न्यू एड न्यू फिल लेते हैं और कलर रखते हैं थोड़ा सा डार्क ये वाला ग्रे और इसमें हम इसका ऑफसेट पार्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वैल्यू 10 पिक्सल सही है लेकिन यहाँ पर जॉइंट जो है हम राउंड कर देते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए दिखाई पड़े। अभी तक टोटल 2 एडमिट फिल लगाए हैं मैंने, एक मेन जिस पर टेक्स्ट बनाया था मैंने लाइट कलर का वाइट ग्रे और ब्लैक। अब इस पर मैं 3D इफेक्ट लगाने के लिए ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा और वैल्यू देता हूँ 1 और वर्टिकल मूव में 1 और यहाँ पर अब नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाते रहेंगे, अप और डाउन एरो के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट करेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, फिर से यहाँ पर वैल्यू है 1, वर्टिकल की वैल्यू 1 और जेंटल की वैल्यू, और यहाँ नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाते हैं कीबोर्ड के अप एरो से। मेरे ख्याल से 25 बिल्कुल ठीक है, अगर 30 करके देख लें एक बार, 30 ज़्यादा हो गई, 25 सही है 25। उसके बाद इसकी एक कॉपी हम यहाँ से बनाएंगे, डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम। इसका मतलब होता है कि इस एडिट फिल्म में हमने जो भी इफेक्ट अंदर डाले हैं, ऑफसेट पाथ लगाया है, ट्रांसफॉर्म लगाया है, सेम टू सेम इसकी एक कॉपी और बनकर तैयार हो जाएगी जो कि फ्रेश नहीं होगी, इसी की एक कॉपी होगी। और अगर यहाँ से एड न्यू फिल से करते हैं
तो उसमें हमें एक फ्रेश कॉपी मिलेगी जिसमें इसके इफेक्ट कॉपी नहीं होंगे। इसको सिलेक्ट करा और ऊपर से डुप्लीकेट बनाते हैं इसका, और इस पर हम कलर चेंज करते हैं फिलहाल के लिए, बाद में जैसी ज़रूरत होगी उसको हम बढ़ाएंगे। ये वैल्यू बढ़ाते हैं और देखिए एक शेडो इफेक्ट लेकर आएगा, शेडो इफेक्ट लेकर आएगा 40 पे, 40 35 कर देते हैं, 35। अब हम वर्क करेंगे इसके सबसे टॉप वाले लेयर पे, इसकी एक कॉपी बनाते हैं इसी के नीचे, दो कॉपी सेम इफेक्ट की बन गई है। और इसमें हम कलर लगाते हैं ब्लैक, ये हमें ड्रॉप शेडो वाला कलर चाहिए, एम्बोस वाला, एम्बोस ड्रॉप शेडो। इसके लिए पाथ में गए, ऑफसेट पाथ, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं, वैल्यू कम करेंगे, माइनस में ले जाएंगे और 3, -3 ठीक है। अब इसकी एक कॉपी हम और बनाएंगे जो कि हमारी टॉप लेयर पे रहेगी, और इसमें भी हम पाथ में ऑफसेट पाथ लगाएंगे और वैल्यू देंगे माइनस में। -5 ठीक है। अब इसमें हम इसको मूव कराएंगे ताकि हमारा एक 3D इफेक्ट दिखाई पड़ने लग जाए। नंबर ऑफ कॉपी कुछ 0 रखेंगे, सिर्फ इसको मूव कराना है। मूव कराने के लिए हम इसको प्लस मूव करा रहे हैं और वर्टिकली भी अगर चाहे तो मूव करा सकते हैं, फिलहाल वर्टिकल हम मूव नहीं करा रहे। अब जरूरत के हिसाब से इसको और हम ऑफसेट पाथ में वैल्यू कम करते हैं इसकी, और छोटा पतला कर देते हैं, -7 कर दिए। अब और मूव कराएंगे हमारा इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आने लगा है। एक कॉपी इसके हम और बना रहे हैं इसके ऊपर, और इसमें हम जाते हैं कलर में, स्वेचेस पे अंदर, और ऑप्शन पैटर्न, पैटर्न के अंदर बेसिक ग्राफिक्स, और यहाँ पर हमारे सारे ग्राफिक्स मिलेंगे, लाइंस जो हम इसके अंदर लगाएंगे। देखते कैसा लुक आता है, ये लुक आया मेरे ख्याल से, ये लुक परफेक्ट है। ऊपर का मैं हमारा वर्क लगभग लगभग पूरा हो चुका है। अब हम शेडो पे थोड़ा सा वर्क और करेंगे, उसको सेट करने के बाद। और शेडो वाली लेयर थी ये, इसमें हम पैटर्न लगाना चाहते हैं, पैटर्न बेसिक ग्राफिक्स डॉट, उसके बाद यहाँ से चेंज करेंगे और भी है यहाँ पर, इसमें से ये ज़्यादा सही है। और उसके बाद उसकी वैल्यू अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा कर देखते हैं। हमारा कॉपी यहाँ से बढ़ाते हैं तो 37, 40 करते हैं, और सभी एड में फिलें इनको हम एक्सपेंडेशन उनका ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं ताकि दिखाई पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडने फिल हमें लगाए हैं, और हमारी हमारा टेक्स्ट बन के तैयार। अलाइनमेंट इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, साइज अकॉर्डिंग हाईलाइट करेंगे। ये हमारा विंटेज टेक्स्ट बिल्कुल बनके तैयार है, और ये पूरी तरह एडिटेबल है। इसमें हम कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसका वर्ड चेंज करना चाहें तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक विंटेज विंटेज लिखें, तो जो स्टाइल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
कंट्रोल जेड से हम वापस आ जाते हैं। अब हम दिखाते हैं इसका, अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करा, फॉन्ट में गए और जो फॉन्ट सही लगे अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक फॉन्ट ढूंढ रहा हूँ जो आपको दिखा सकूँ, ये फॉन्ट ज़्यादा सही है। इफेक्ट जो है वो नहीं बदला, लेकिन उसका फॉन्ट बदल गया है। अब इस फॉन्ट में हम कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अपना पुराना इफेक्ट वापस लेकर आते हैं, कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, इसका अलाइनमेंट सेंट्रली अलाइन, प्रेजेंटली और वर्टिकली दोनों। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना के लेकर आप आ सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू।